कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं? ऑप्शन ए सुरेश कुमार चौधरी, बी राजेंद्र प्रताप सिंह, सी मुकेश सिंह चौधरी, डी विवेक राम चौधरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर झाबर सिंह, बी डॉक्टर रीता चौहान, सी डॉक्टर विनय नंदीकुरी, डी डॉक्टर हर्षित ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विनय नंदीकुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी नेपाल, सी मॉरिशस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए एलेक्स जोसेफ, बी हेरी वेड्डू, सी डेविड डियोप, सी किरोल पार्किसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसाक हर्जोंग इजराइल के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए 4वें, बी 11वें, सी 7वें, डी 13वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं? ऑप्शन ए बजरंग के दत्त, बी पारेश बी लाल, सी सुलेख जे निगम, डी आरसी गोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारेश बी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 11 जून, सी 4 जून, डी 7 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, बी 7 जून, सी 3 जून, डी 4 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार गुप्ता, बी अजीत सिंह चंडेल, सी राम कुमार बिस्वा, डी अरुण कुमार मिश्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए नमन खन्ना, बी रवनीत सिंह, सी अभय प्रजापति, डी केशव झीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवनीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 15 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 59 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 60 साल, बी 53 साल, सी 55 साल, डी 58 साल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन महिला कमांडो दस्तर टायर करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं?
ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी ईरान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए महेश चंद्र शर्मा, बी अनूप चंद्र पांडे, सी राम निवास पाठक, डी जमन लाल गोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 9 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, बी पनामा, सी डोमिनिकन रिपब्लिक, डी मैक्सिको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए अजीम फारूकी, बी दूनी लोपोल्ड, सी अब्दुल्ला साहिद, डी वर्नान केकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला साहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कीर्ति दास, बी राधिका पाड़ी, सी सृष्टि जैन, डी स्फूर्ति प्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्फूर्ति प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए रंजन कुमार गोस्वामी, बी संजीव नंदन सहाय, सी अजीत पाल सिन्हा, डी जितिन कुमार लोखंडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजीव नंदन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं? ऑप्शन ए नवाब अली, बी राजेश पाटेकर, सी हर्षित नायक, डी हितेंद्र दवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हितेंद्र दवे। धन्यवाद।